नमस्कार मित्रों, जय माता दी। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तुला राशि वालों, क्यों परेशान हो, खुश हो जाओ, क्योंकि दोस्तों अब आपको बम्पर इनाम की लॉटरी लगने वाली है। जी हाँ, कल सूर्य उदय होने से पहले, कल का सूरज चमकने से पहले आपका भाग्य चमकेगा और आपके जन्मों जन्मांतर की गरीबी दूर होगी। जी हाँ मेरे प्यारे मित्रों, जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें, किसी ने सच ही कहा है, मांगने से सिर्फ भीख मिलता है। जी हाँ, और याद रखिएगा, इंतजार करने वालों को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कि मेहनत करने वाला इंसान छोड़ जाता है। एक तरफ से लोग कहते हैं सब्र का फल मीठा होता है, तो दूसरी तरफ से वही लोग कहते हैं समय किसी का इंतजार नहीं करती है। जी हाँ, मेहनत करिए, क्योंकि मेहनत ही एक ऐसा जादू है, ऐसा चीज है, आप जो चाहते हैं वो आपको दिला सकता है। जी हाँ, भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं दुनिया में कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है, खासकर वो काम जिस काम से आपका पेट चलता हो, जिस काम से आपका घर परिवार चलता हो। कभी भी उस काम को अपमान मत करना, हमेशा अपने काम की तारीफ करना, हमेशा अपने काम की इज्जत करना, इससे आपके घर में बरकत होती रहती है। और यह बात आप अपने दिमाग में, आप अपने दिल में अच्छे से सेट कर लेना। जी हाँ, मानता हूं जिनकी किस्मत अच्छी होती है उन्हें कम मेहनत में भी बड़ी सफलता प्राप्त हो जाती है, कम मेहनत में ही बड़ी कामयाबी मिल जाती है। और जिनकी किस्मत खराब होती है, जिनके लक साथ नहीं देता है, उनको बहुत परिश्रम करना पड़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। जी हाँ, तब जाकर उन्हें बड़ी सफलता मिल पाती है। जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें, इस बार आपकी किस्मत भी अच्छी है और आपको मेहनत भी नहीं करना पड़ेगा। जी हाँ, जिस तरह से आपको अपने किस्मत का लाभ उठाना है, अपने लक को और ज़्यादा गुड लक कैसे बनाना है, इसकी महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको इस वीडियो के अंदर देने वाले हैं, वो भी ग्रह गोचर के आधार पर। तो अंत तक देखते रहिएगा और आज के इस दिन का जमकर लाभ उठाइए। तो चलिए, समय को ज़्यादा ना लेते हुए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तुला राशि वालों, आने वाले समय में किस्मत का इक्का मिलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, कहने का तात्पर्य है कि अब आपको जिंदगी का असली सुख मिलेगा। जी हाँ, जिंदगी का असली सुख, जिंदगी का असली मौज मस्ती, जो खुशियाँ आपकी ज़िंदगी से दूर हो गई थी, कहीं दब सी गई थी, वो खुशियाँ अब आपके जीवनकाल में पुनः लौट कर आने वाली हैं। जी हाँ, क्योंकि मंगल ग्रह आपकी ज़िंदगी में धमाल मचाने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, देखिए दोस्तों, भाग्य की अपेक्षा अधिक कर्म पर विश्वास रखना आपको और अधिक सकारात्मक बना रहा है। लाभ के मार्ग प्राप्त होंगी, परिवार के किसी सदस्य के विवाह संबंधित कार्यों में भी व्यस्तता रहेगी, घर के किसी खास वस्तु की शॉपिंग में भी सभी अभी समय संभव है। घर में छोटी मोटी बात को लेकर इशू बन सकता है, किसी भी बाहरी व्यक्ति का हस्तक्षेप अपने परिवार पर ना होने दें। जी हाँ दोस्तों, नहीं तो और आपकी जो है बिगड़ सकती हैं। योजनाएं बनाने के साथ साथ इन्हें कार्यरूप देना भी बहुत ज़रूरी है। बच्चों की गतिविधियों पर अभी ध्यान दें। वहीं अगर आपकी व्यवसाय को लेकर बात करें तो यह समय पब्लिक डीलिंग, मार्केटिंग, मीडिया आदि से संबंधित व्यवसाय फायदेमंद स्थिति में रहेंगी। निजी कामों में व्यस्तता के कारण बिजनेस के काम घर से होंगे, साथ ही परिवारजनों का सहयोग भी बना रहेगा। जी हाँ दोस्तों, वहीं दोस्तों आपके लिए जो समय होंगे, यह समय घर में रख रखाव अथवा सुधार संबंधित कोई योजना बन रही है तो उसमें वास्तु के नियमों का भी अवश्य प्रयोग करें। जी हाँ,
इस समय आपकी कोई बड़ी समस्या का भी हल हो सकती है। मनोकूल सफलता मिलने से ऊर्जा और आत्मविश्वास दोनों बढ़ेंगे। लेकिन दोस्तों, ध्यान देने वाली बात है, दूसरों के मामलों में सुलझाने के चक्कर में आप जो है मुश्किलों में पड़ सकती हैं। बेहतर होगा कि आप अपने कार्यों पर ही ध्यान दें। युवा वर्ग अपने किसी कार्य में असफलता मिलने से कुछ तनाव में रहेंगे। अपने स्वभाव में बहुत ही धैर्य और संयम बनाकर रखना आपको बहुत खुशी देगा। वहीं दोस्तों, व्यावसायिक महत्वपूर्ण काम नियत समय पर पूरे होते जाएंगे, परंतु रिस्क प्रवृत्ति कार्यों से रुचि ना रखें। इस समय आय के साधनों में भी वृद्धि होगी। शॉपिंग में दूसरों के साथ किसी भी प्रकार के वाद विवाद में ना उलझें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। इसके उपरांत आपके लिए जो समय होंगे, यह समय किसी भी काम को करने से पहले उससे संबंधित उचित जानकारी हासिल कर लें तथा जल्दबाजी और लापरवाही बिल्कुल ना करें। इससे आपको बेहतर परिणाम हासिल होंगे। जी हाँ, आय के नए स्रोत बनेंगे। घर में बुजुर्गों का भी प्यार व आशीर्वाद शांतिपूर्ण माहौल बनाकर रखेगा। वहीं दोस्तों, आपके लिए जो समय होंगे, यह समय वरिष्ठता सा अनुभवी लोगों के मार्गदर्शन की अवहेलना ना करें। जल्दबाजी में कोई भी निर्णय लेना आपके लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। किसी बाहरी व्यक्ति की बातों में बिल्कुल न आए। पैसा उधार देने से पहले सोच विचार अवश्य कर लें, अन्यथा दिक्कत होगा। बिजनेस में नुकसान के भी योग बन रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, इसलिए आपको समय के साथ चलना होगा और ज़्यादा पैसा वैसा इधर उधर इन्वेस्ट करने से बचिएगा, नहीं तो दिक्कतें हो सकती हैं। जी हाँ दोस्तों, पारिवारिक तथा व्यक्तिगत गतिविधियों के बीच बेहतरीन सामंजस्य बना रहेगा। आपका सामाजिक दायरा बढ़ेगा तथा प्रभावशाली लोगों से संपर्क बनेंगे। आप भावनात्मक रूप से खुद को सशक्त महसूस करेंगे। लेकिन दोस्तों, सोच विचार करके ही कोई निर्णय लें। बिना सोचे समझे कहीं पर भी आप अभी कदम ना रखें, क्योंकि जल्दबाजी के लिए लिए गए फैसले आपको बदलने पड़ सकते हैं। जी हाँ, आर्थिक स्थिति को ठीक करने के लिए खर्च पर अंकुश लगाना आवश्यक होगा। अपने निजी कार्यों के लिए समय ना निकाल पाने की वजह से मन में जो है कुंठा रहेगी। जी हाँ दोस्तों, वहीं दोस्तों, अगर आपके लिए व्यवसाय की बात करें तो यह समय बिजनेस में गैर जरूरी कामों में ध्यान ना दें। सरकारी कामों में रुकावटें आ सकती है। देखिए, ज़्यादा ज़रूरी काम दोपहर से पहले ही निपटा लें तो उचित रहेगा और उसमें आपको उचित परिणाम भी मिलेगा, क्योंकि दोपहर से पहले का जो समय है आपके लिए बहुत ही अच्छा समय है। जी हाँ दोस्तों, इस समय अगर कोई भी आप काम करते हैं तो उस समय आपको मन मुताबिक सफलता मिलती है। ऑफिशियल मामलों में ज़्यादा दखलंदाजी ना करें तो ये आपके लिए बेहतर होंगे। वहीं दोस्तों, आपके लिए जो समय होंगे, यह समय अपने लक्ष्य के प्रति पूर्ण रूप से एकाग्रचित रहें। आपको सफलता प्राप्त होगी। युवाओं को किसी अनुभवी तथा प्रतिष्ठित व्यक्ति का आशीर्वाद व मार्गदर्शन भी प्राप्त होगा। लेकिन दोस्तों, इस समय ध्यान देने वाली बात है, फाइनेंस संबंधित मामलों में कुछ दिक्कतें आएगी। कोई नया निवेश करने से पहले अच्छी तरह से जांच पड़ताल कर लें। इस समय आर्थिक स्थिति कुछ मंद रहेगी। घर के बड़े बुजुर्गों की सेहत का भी ध्यान रखना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। वहीं दोस्तों, आपके लिए जो समय होंगे, आपके कैरियर बिजनेस के लिए जो समय होंगे, इस समय व्यावसायिक स्थल पर मशीनरी, स्टाफ या कर्मचारियों से संबंधित कोई ना कोई परेशानी रहेगी। आंख मूंद कर एक दूसरे पर भरोसा करने से आपको नुकसान हो सकता है। इसलिए दोस्तों, आप भरोसा करने से पहले उसके बारे में पूरी तरह से जांच पड़ताल कर लें कि वो इंसान कैसा है, नहीं तो आगे चलकर परेशानी आप ही को होगी। नौकरी पेशा लोग कारभार काम होने से राहत की सांस ले पाएंगे। किसी ऑफिशियल यात्रा का प्लान बन सकता है, लेकिन लंबे समय के लिए प्लान बनाना अभी आपके लिए दिक्कतें पैदा कर सकती हैं। वहीं अगर आपकी लव लाइफ को लेकर बात करें तो यह समय जीवन साथी व परिवारजनों का सहयोग आपके आत्मबल व आत्मविश्वास को बनाकर रखेगा। जी हाँ, आप तनाव मुक्त होकर अपने कामों पर ध्यान दे पाएंगे और इसमें आपको सफलता भी मिलेगी। जी हाँ,
इसके उपरांत अगर आपकी हेल्थ यानी कि सेहत को लेकर बात करें तो यह समय ब्लड प्रेशर संबंधित समस्या बढ़ सकती है। मेडिटेशन और आराम के लिए समय निकालें, ये आपके स्वास्थ्य के लिए बेहतर होंगी। और आपको जो है खान पान में सुधार करने की ज़रूरत है और आपकी पानी की जो मात्रा है अभी बढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि दोस्तों अभी पेट से संबंधित कोई समस्या होने की आशंका लग रही है। अगर आप सावधान और सतर्क रहेंगे तो इन समस्याओं से आप बच सकती हैं दोस्तों। तो आने वाले अगले 24 घंटे कुछ इस तरह से रहने वाला है। अगर जानकारियां आपको अच्छी लगी हो, वीडियो में कोई भी पार्ट आपको पसंद आई हो तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी ज़रूर लिखें। माता रानी आपके सपने जल्द ही साकार करें, उसके लिए माता रानी से दिन रात प्रार्थना करती हैं। दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर अगले वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद। दिन आपका शुभ हो, मंगलमय हो।